हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। सब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस चल रहा है, जिसमें आपका लेक्चर नंबर 12 है। टॉपिक क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? एसएफडी एंड बीएमडी चल रहा है ना। एसएफडी एंड बीएमडी में हम लोग डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए एसएफडी बीएमडी निकालना सीख रहे हैं। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, कल जो होमवर्क था उसको हम लोग पहले कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में दिया था, कैंटिलीवर बीम था आपका, ठीक है। उस कैंटिलीवर बीम में यूडीएल लगा हुआ था 3 मीटर स्पान में, ठीक है। ये भी आपका 3 मीटर था और ये भी रिमेनिंग लेंथ भी 3 मीटर था, और जो मैग्नीट्यूड था वो 10 किलो न्यूटन मीटर का था। क्या 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लगा हुआ था, ठीक है। तो इसमें अब मेरे को बताना था कि एस एफ डी बी एम डी इसका क्या होगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, ओके। और उसके बाद वी ए की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, वी ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 10 × 3 के बराबर हो जाएगा, मतलब 30 किलो न्यूटन के बराबर हो जाएगा आपका वी ए का वैल्यू। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग जब एस एफ डी ड्रॉ करेंगे तो मैं ए बी लेंथ खींचूंगा, और उसके बाद फिर क्या करूंगा, ए लेंथ से मेरे को कितना ऊपर जाना है, 30 ऊपर जाना है, तो मैं 30 ऊपर चला गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद हम लोग जब देखेंगे, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, और ये एक और जो मतलब जो आपका यूडीएल लगा है उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को सी और डी मान लिया। तो ए से सी तक आपका कोई सा लोड है क्या? कोई लोड नहीं होने से हम लोग का शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनता था? स्ट्रेट बनता था। तो सी पॉइंट तक हम लोग स्ट्रेट आ गए। उसके बाद जब देखेंगे तो सी से डी आपका यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल के कारण शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनता है? इंक्लाइंड बनता है, ठीक है ना, इंक्लाइंड बनता है। तो अब मेरे को कंफ्यूजन ये होगा, सी से डी तो इंक्लाइंड बनता है, कोई दिक्कत है नहीं, तो मैं कैसे जाऊं? क्या ये शियर फोर्स साइन चेंज करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका मान लेते हैं डी पॉइंट है, सी पॉइंट डी पॉइंट, तो मैं इसको कैसे मिलाऊं, ऐसे मिलाऊं कि आपका इधर ये नीचे जाएगा और ये ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ आ रहा है, आ गया ना। तो अब मेरे को करना क्या पड़ेगा इसको कंफर्म करने के लिए कि हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, मैं क्या करूंगा, शियर फोर्स निकालूंगा। मैं बोला था जब भी कंफ्यूजन होता है आपको क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, शियर फोर्स निकाल के देखना है, जिस भी पॉइंट में निकालना हो। जैसे डी पॉइंट में हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। डी पॉइंट में शियर फोर्स निकालते हैं, ठीक है ना। एस एफ एट डी पॉइंट हम लोग जब निकालेंगे तो डी में हम लोग क्या करते थे, सेक्शन को कट करते थे, ठीक है ना। डी में मैं क्या करूंगा, सेक्शन एक कट करूंगा और उससे लेफ्ट साइड में देखूंगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखूंगा तो मेरे को कौन कौन से फोर्स मिलेंगे, या फिर राइट साइड में देखो, राइट साइड में देखो, राइट साइड में इसका बहुत आसान है, राइट साइड में कोई सा फोर्स ही नहीं है। मतलब मेरे को डायरेक्ट पता चल गया कि शियर फोर्स एट डी 0 होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी हमको कंफ्यूजन है तो हम लोग लेफ्ट साइड से देखते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट साइड से जब हम लोग देखेंगे तो वी ए एक फोर्स मिलेगा जो कि आपका 30 है, और उसके अलावा जो यूडीएल है उसके कारण फोर्स मिलेगा, लेकिन वो माइनस में आएगा, जितना भी फोर्स है वो माइनस में आएगा। और वो फोर्स है कितना, 10 × 3 मतलब 30 है, तो 30 − 30 0 हो गया, ठीक है ना। माइनस क्या हुआ समझ में आया, एक वी ए के कारण फोर्स था जो प्लस होगा, जो कि कितना है आपका 30 है, और यूडीएल के कारण एक फोर्स जो होगा आपका ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा ना, जो भी 30 भी होगा, 30 ही होगा ना जो भी, तो 30 − 30 आपका 0 आ गया। मतलब कि शियर फोर्स डी पॉइंट में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब डायग्राम आपका कैसे बनने वाला है, ये खत्म, यही इसका एस एफ डी डायग्राम है। बी पॉइंट में जाएगा ही नहीं, बी पॉइंट में भी 0 होगा, मतलब डी पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में आपका शियर फोर्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर यकीन नहीं होता तो आप बी पॉइंट में भी शियर फोर्स निकाल के देख लो, वहां पर भी 0 आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बीएमडी बनाते हैं। एसएफडी हमको निकल गया तो हम लोग लोड डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ किस चीज का काम रहता है, एसएफडी डायग्राम का काम रहता है बीएमडी निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो, ए और बी पॉइंट लिख दिया, ठीक है ना। बी पॉइंट में तो 0 होगा, बेंडिंग मूवमेंट क्यों होगा, क्योंकि आपका क्या है, फ्री एंड है ना, कैंटिलीवर बी में फ्री एंड है। ए पॉइंट में जब हम लोग देखेंगे, मूवमेंट की बात करेंगे, तो ए पॉइंट पे मूवमेंट निकाल के देख लो भाई। मैं बोला था कि आपका डिफ्लेक्शन होगा कैंटिलीवर बीम में, उसके कारण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है आपका,
यहाँ पर मूवमेंट आएगा, ठीक है, या फिर हम लोग मूवमेंट एट ए निकाल के देखते हैं, ठीक है। मूवमेंट एट ए निकालोगे जब, तो आपका ए में सेक्शन कट करोगे और राइट साइड में देखोगे तो कितने सारे फोर्स आ रहे हैं, एक ही फोर्स तो आ रहा है आपका। कौन सा फोर्स आ रहा है भाई? 30 का फोर्स आ रहा है, ठीक है ना, 30 का फोर्स आ रहा है यूडीएल के कारण, और उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 और प्लस 1.5, मतलब 4.5 डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 9 5 3 15 और 4 3 12 और 1 13, ठीक है, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, सही किया, 5 3 15 1 और 4 3 12, ठीक है। तो इतना क्या आ गया, माइनस में आंसर आएगा, लेकिन एक चीज याद रखना, माइनस किलो न्यूटन मीटर में आपका आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि हम लोग राइट साइड में ले रहे हैं, राइट साइड में क्या ले रहे हैं, सेक्शन कट करने के बाद राइट साइड से मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो हमको फोर्स जो है राइट साइड में मिल रहा है, और वो क्लॉकवाइज में मिल रहा है, यहाँ पर से ऐसा करके क्लॉकवाइज जाएगा और क्लॉकवाइज राइट साइड में हम लोग माइनस लेते हैं, तो इसलिए आपका -35, हम लोग नीचे जाएंगे क्या, -35 नीचे गए, तो मतलब 135 नीचे गए, और उसके बाद फिर हमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है सी पॉइंट तक, मान लेते हैं ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है तो हमारा जाहिर सी बात है इंक्लाइन बनेगा, बीएमडी क्या बनेगा, इंक्लाइन बनेगा। अब फिर से क्वेश्चन होगा कि इंक्लाइन तो बनेगा, लेकिन इंक्लाइन हम लोग ऐसा जाएंगे ऊपर की ओर कि इंक्लाइन हम लोग नीचे की ओर जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सी पॉइंट में हम लोग मूवमेंट निकाल के देख लेंगे। जब भी कंफ्यूजन होता है हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। वैसे जाहिर सी बात है आपका ए में कैंटिलीवर बीम में हमेशा फिक्स्ड सपोर्ट में मैक्सिमम मूवमेंट होता है, और बाकी उसके अलावा जो भी लेंथ है उसमें उससे कम ही मूवमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ऊपर की ओर जाने वाले हैं, लेकिन हम लोग को कंफ्यूजन है तो हम लोग क्या करते हैं, सी पॉइंट पे मूवमेंट निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। मूवमेंट एट सी जब मैं निकालूंगा तो आपका क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट से निकालूं कि राइट से निकालूं, लेफ्ट से निकालते हैं चलो। तो लेफ्ट में आपका फोर्स क्या है, 30 है, और डिस्टेंस क्या है, 3 है। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स आपका 30 है और डिस्टेंस आपका 3 है, क्लॉकवाइज आपका प्लस में आ जाएगा 90। कुछ गलत हुआ क्या, माइनस में 90 आना चाहिए ना, प्लस में 90 होगा तो ऊपर चल देंगे हम लोग। राइट साइड से जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, राइट साइड से जब हम लोग निकालेंगे मोमेंट एट सी तो 30 इंटू में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 इंटू इंटू में डिस्टेंस 1.5 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर दूसरा आ रहा है और माइनस में आ रहा है, क्या गलती कर रहा हूँ यार, -45 आ रहा है मूवमेंट एट सी जब राइट साइड से निकाल रहा हूँ, और जब लेफ्ट साइड, ओ सॉरी 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 सॉरी, चलो आ गया समझ में, आपका -45 ही आएगा आंसर, हम लोग लेफ्ट साइड से निकाल रहे हैं, लेफ्ट साइड में मैं गड़बड़ी क्या कर रहा हूँ देखो, ये तो मैं पहले सही किया 30 इंटू 30, ठीक है ना, 30 इंटू 3, ठीक है, VA के कारण जो था VA 30 लग रहा था, और इंटू में डिस्टेंस क्या हो गया, 3 हो गया, उसके अलावा मूवमेंट भी तो है, उसके अलावा ये मूवमेंट भी तो है भाई, फिक्स सपोर्ट में आपका मूवमेंट पहले से होता है, तो वो मूवमेंट हम लोग कितना निकाले हुए, -135, तो -135 करेंगे तब आंसर आ जाएगा आपका 90 -135, आंसर -45, ठीक है, -45 किलो न्यूटन मीटर, ठीक, आ गया समझ में। तो अब हमारे पास ये वाला जो पॉइंट मिल गया है कितना मिल गया, 45 मिल गया है माइनस में, तो हम लोग ऊपर गए जाहिर सी बात है, और उसके बाद अपने को बी में ऑलरेडी पता है कि 0 होगा, ठीक है ना, बी में ऑलरेडी पता है 0 होगा, लेकिन हम लोग एसएफडी जब देखेंगे, अच्छा एसएफडी जब देखेंगे तो डी से बी तक आपका क्या है, शियर फोर्स 0 है, शियर फोर्स 0 है, ठीक है। तो अब हमको फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे हम लोग पढ़े थे अगर शियर फोर्स 0 होता है तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट वहां रहना भी तो चाहिए, तो डी में भी अपने को बेंडिंग मोमेंट निकाल के देख लेना है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, तो चलो अब डी में बेंडिंग मोमेंट निकाल के देखते हैं।
तो दिख रहा होगा आपको लोड डायग्राम में कि डी में जब बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, डी में सेक्शन कट करूंगा और राइट साइड से जब मैं लूंगा मोमेंट को, तो वो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। मोमेंट एट डी जीरो होगा, राइट साइड से देखो ना, राइट साइड में कोई फोर्स ही नहीं है। लेफ्ट साइड से बनाना चाहो तो लेफ्ट साइड से भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि अपने पास जब लेफ्ट साइड से बनाएंगे तो दो फोर्स है और एक मोमेंट भी है, इस मोमेंट को भूलना मत ना, नहीं तो जीरो नहीं आएगा आंसर, ठीक। तो ये हो गया आपका, मोमेंट एट डी निकाल लेना तो जीरो आ जाएगा आपका। तो अब इससे पता चल गया कि मेरे को डी से बी तक मोमेंट आपका जीरो है, मतलब ये वाला जो लेंथ है, ये वाले लेंथ में अपना बेंडिंग मोमेंट भी जीरो है, शेयर फोर्स भी जीरो है। अब क्वेश्चन ये है कि एस एफ डी जो बना है सी से डी, वो इंक्लाइन बना है, तो हमारा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा शेप? 2 डिग्री कर्व बनेगा, 2 डिग्री कर्व बनेगा और ऐसा कुछ शेप होगा। इसका रीजन वही हो जाएगा क्योंकि सी पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा जो कर्व है। लेकिन जब हम लोग डी पॉइंट में देखेंगे, डी पॉइंट में शेयर फोर्स जीरो है, इसलिए हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर एंगल क्या बनेगा आपका, 0 डिग्री बनेगा। तो इस प्रकार से पहला होमवर्क आपका खत्म हो गया। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा आपके पास, ये वाला सिंपली सपोर्टेड बीम था, उस सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारे पास क्या लगा था, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड लगा था ना, सॉरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट लगा हुआ था, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बोला था मैं, एम पर मीटर के हिसाब से लगा हुआ है, ठीक है ना, एम पर मीटर के हिसाब से लगा हुआ है, किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, ऐसा करके इसका यूनिट दिया गया है। और लेंथ जो है आपका टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल है, तो इसमें हमको एस एफ डी बी एफ डी निकाल के देखना है। तो इसको ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट मान लें, तो वी ए प्लस वी बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास जीरो, तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी बी, यहाँ तक सबको बना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी और वी बी निकालना है, तो मूवमेंट एट बी इक्वल टू जीरो कर लेता है ना, बी के अबाउट हम लोग मूवमेंट ले रहे हैं, तो वी ए इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा, ओके, वी ए इंटू डिस्टेंस एल हो जाएगा क्लॉकवाइज प्लस, और उसके बाद आपका जो मूवमेंट लगा हुआ है, मोमेंट लगा हुआ है वो एम किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लगा हुआ है ना। तो हम लोग यूडीएल को जब चेंज करते थे तो जो भी मैग्नीट्यूड होता था लोड का, उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें भी वही सेम करेंगे। ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज एम इंटू क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ए, लेकिन अब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये एम इंटू एल में टोटल मोमेंट अपने को ऑलरेडी मिल गया। नहीं समझ में आया? हम लोग यूडीएल में क्या करते थे, यूडीएल में करते थे जो भी डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड दिया है, टोटल लेंथ एल दिया है, तो एक अपने को क्या चाहिए रहता था, एक पॉइंट लोड चाहिए रहता था, उसके लिए डब्ल्यू इंटू एल कर देते थे, तो इस पूरे लोड के बदले में एक पॉइंट लोड आ जाता था। वैसे ही आपका यूनिफॉर्मली वेयरिंग मूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली वेयरिंग मूवमेंट दिया हुआ है, तो एक मेरे को कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट चाहिए, बीचों बीच में एक कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट चाहिए इस पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट के बदले में, तो मैं एम इन टू एल कर दूंगा तो आ जाएगा, कौन से डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, इसलिए प्लस किया और इक्वल टू मैं जीरो कर दिया। आंसर मेरे को क्या मिला, माइनस एम मिला, वी ए का वैल्यू माइनस एम मिल गया, तो जाहिर सी बात है वी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से अब हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, एक ए बी में लाइन खींचूंगा, ठीक है ना, ए में मेरे को कितना जाना है, माइनस एम जाना है, मतलब नीचे की ओर जाना है, ठीक है ना, माइनस एम, मैं नीचे की ओर गया। उसके बाद फिर ए से बी तक में कुछ भी लोड नहीं है, लोड नहीं है, मूवमेंट है, मूवमेंट के कारण शियर फोर्स डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं होता, मैं रूल में बता चुका हूँ, ठीक है ना, मूवमेंट के कारण एस एफ डी में चेंजेस होगा, अभी कोई चेंजेस नहीं है, मतलब ए से बी में कुछ लोड नहीं है। लोड नहीं होने से हम लोग स्ट्रेट लाइन जाते थे, अगर याद होगा तो, स्ट्रेट लाइन जाने के बाद हम लोग जब देखेंगे बी पॉइंट में आपका कितना है, बी पॉइंट में प्लस एम है, प्लस एम मतलब ऊपर जाना है, ठीक है, प्लस एम मतलब ऊपर जाना है और लूप को क्लोज करना है। तो इस प्रकार से ये निगेटिव में अपने को बेंडिंग मोमेंट एस एफ डी मिल गया, ठीक है ना, शियर फोर्स डायग्राम निगेटिव में मिल गया। अब मेरे को बनाना है बी एम डी बनाना है, तो सबसे पहले तो हम लोग लाइन खींच लेंगे, ए बी लाइन खींच लिए, अब मेरे को चाहिए मूवमेंट, ठीक है ना, ए पॉइंट में मूवमेंट क्या होगा, बी पॉइंट में मूवमेंट क्या होगा, तो वो अपने को ऑलरेडी पता है कि वो जीरो ही होने वाला है, ठीक है ना, क्यों जीरो होने वाला है भाई, क्योंकि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट्स में जीरो होता है, ठीक है। और अब बीच में निकाल के देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर मैं बीचों बीच निकालना चाहूँ, ठीक है ना, मतलब हम लोग एक सेक्शन कट कर रहे हैं सेंटर में, और यहाँ पर हम लोग मूवमेंट निकाल के देखना चाहते हैं, अगर मैं सी पॉइंट दे दूँ सेंटर को, ठीक
तो मेरे को एमसी निकाल के देखना है, तो उसके लिए मैं लेफ्ट को सॉल्व करूंगा। तो लेफ्ट में मेरे को फोर्स क्या दिख रहा है, वीए। वीए का वैल्यू हम लोग कितना लिए हुए हैं, माइनस एम, ठीक है ना। वीए का वैल्यू माइनस एम है, और डिस्टेंस जब हम लोग करेंगे तो डिस्टेंस L/2 होगा, ठीक है ना। प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्लॉकवाइज है तो प्लस होगा, लेकिन माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस ही होगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, और क्या आ रहा है, कोई सा फोर्स आ रहा है क्या, नहीं, लेकिन मूवमेंट है। मूवमेंट कितना है आपका, क्लॉकवाइज में मूवमेंट है तो प्लस में होगा। मोमेंट एम इंटू L/2 है, एम इंटू L/2 है, आ रहा है समझ में। एम इंटू L/2 डिस्टेंस में लगा हुआ है तो एम इंटू L/2, लेकिन प्लस में क्योंकि क्लॉकवाइज में है, तो एम L/2 माइनस में और प्लस में दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आ गया 0। एमसी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि ए पॉइंट में भी मूवमेंट क्या है, 0, बी में भी क्या है, 0, बीच में भी क्या है, 0, और किसी भी पॉइंट में, इंटरमीडिएट पॉइंट में निकाल के देख लो, वहां पर 0 ही आएगा। जैसे आपको कंफ्यूजन है तो L/4 डिस्टेंस में निकाल के देख लो इधर से, तो हर एक पॉइंट पे मूवमेंट 0। मतलब यही इसका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही इसका क्या है, BMD है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे समझ में इसका BMD। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका कि वी हैव अ सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मूवमेंट है थ्रू आउट इट्स लेंथ, देन व्हाट इज द BMD। तो ऑप्शन ए में दिया रहेगा ट्रायंगल शेप, ऑप्शन बी में दिया रहेगा स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी में दिया रहेगा आपका रेक्टेंगुलर, ऐसा करके शेप पूछ सकता है। तो एक स्ट्रेट लाइन बस बन रहा है BMD इसका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कल हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, क्या चीज पढ़ रहे थे, एक सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ रहे थे, और एक सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग मूवमेंट लगा हुआ, लोड लगा हुआ था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली वेरिंग UVL लगा हुआ था यार, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ था। W इसका टोटल लेंथ था, इधर आपका 0 था और लेंथ आपका L था। इसमें हम लोग निकाल रहे थे मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट मतलब मैक्सिमम मूवमेंट C पॉइंट में आ रहा था। C का जो डिस्टेंस था, इसको हम लोग X माने हुए थे एक्चुअली में, तो ये जो डिस्टेंस था L/√3 आ रहा था, L/√3 मैक्सिमम मूवमेंट मिल रहा था। और वो कितना आ रहा था आपका, अगर मैं इसको C पॉइंट मान लूँ तो MC या फिर MX बोल लो, MC की जगह जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल के आ रहा था वो WL²/9√3 आ रहा था, लेकिन हम लोग का क्या आ जा रहा था, WL²/18√3 आ जा रहा था, जो हम लोग गलत कर रहे थे। तो गलती वहां पर कर रहे थे हम लोग, मोमेंट निकालने में कर रहे थे भाई, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कुछ क्या किया था, सेक्शन कट किया था, एक सेक्स अगर पकड़ लिए होगे गलती को तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं गलती सिर्फ इतना कर रहा था कि हम लोग क्या किए थे कि VA का वैल्यू हम लोग का WL/6 आया था, ठीक है ना। सी मतलब ये सेक्शन कट किया, वहां पर मूवमेंट निकालना था, तो VA का वैल्यू इनटू में डिस्टेंस क्या हो गया, L/√3, ठीक है ना, L/√3। और उसके बाद फिर एक ये जो छोटा सा ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल के बदले में एक फोर्स आएगा, वो फोर्स हम लोग कितना लेंगे, वो फोर्स हम लोग लेंगे, फोर्स कितना लेंगे, हाफ इनटू में डिस्टेंस L/√3 और इनटू में डिस्टेंस हाइट। हाइट कितना आता था, W/L इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू फिर से L/√3, तो ये आपका फोर्स आता था, ठीक है। यहां तक हम लोग सही कर रहे थे, कोई गलती नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरे को, L जो जो कट रहा है उसको काट भी देता हूँ, तो आपका बच क्या आ रहा है, W इंटू मतलब हाफ इंटू WL/2 × 3, मतलब ये √3 √3 हो जाएगा ना, अच्छा ये 2 का आया आएगा, 2 नहीं आएगा, ये हो जाएगा आपका WL/3 बच जाएगा, हाफ को मैं इधर लिख दिया हूँ पहले से। अब ये फोर्स हो गया, डिस्टेंस में हम लोग गड़बड़ी कर रहे थे, याद रखना डिस्टेंस में हम लोग गड़बड़ी कर रहे थे। डिस्टेंस जब निकाल रहा था तो मैं इधर से ए पॉइंट से ले ले रहा था, ठीक है ना, मतलब 2/3 of L को ले ले रहा था, जबकि आंसर क्या आएगा, L/3 आएगा। L/3, एल की वैल्यू कितनी थी आपकी, एल की वैल्यू मतलब X/3 लिखो, कंफ्यूज जाओगे नहीं तो। ये 2/3 of X टोटल डिस्टेंस को हम लोग एक्स माने हैं ना, तो X/3 आएगा आपका, राइट वाला डिस्टेंस को लेना था ना, क्योंकि सी के अबाउट मूवमेंट ले रहे थे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, L/√3 का 1/3, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि ये WL² / क्या आ जाएगा, 6√3, माइनस में इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा WL² / ये हो जाएगा 3 × 9, 9 × 2 = 18, 18√3, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे तो 18√3 आएगा एलसीएम, और उसके बाद इधर हो जाएगा 3 WL² - WL², ठीक
ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 2WL² / 18√3, तो ये 2 नहीं 18 हो गया, आंसर आ गया आपका WL² / 9√3। अल्टीमेटली आंसर आपको याद रखना है, इसमें डायरेक्ट आपको मोमेंट पूछेगा कि इस केस में, कौन से केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम में जब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है, मैक्सिमम लोड जब W है, लेंथ जब L है बीम का, तो मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा। ये एक क्वेश्चन बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि मैक्सिमम मोमेंट इस केस में कितना होगा, एम मैक्स की वैल्यू पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन, जहां पर एम मैक्स है उसका डिस्टेंस लेफ्ट से कितना है पूछेगा, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहां पर ऑकर हो रहा है उसका डिस्टेंस पूछेगा लेफ्ट सपोर्ट से, तो लेफ्ट सपोर्ट से उसका डिस्टेंस L/√3 होगा। राइट से जब पूछेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, L माइनस क्या कर देंगे, L/√3 कर देंगे, इससे जो आंसर आएगा आपका वो राइट से डिस्टेंस हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये थोड़ा सा कल कंफ्यूजन हो गया था, गलती कर दिया था, उसको सुधार लिया गया। चलो आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं अब मैं, उसको बना के दिखाना। क्वेश्चन जो है आपके पास, कैंटिलीवर बीम है, उसमें आपका लगा हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट थ्रू आउट द लेंथ लगा हुआ है भाई, और डिस्टेंस आपका लेंथ एल है, ठीक है, और आपको निकाल के बनाना है, SFD BMD निकाल के बताना है, अपने से बनाओ, जल्दी से बनाओ, मैं इधर बता रहा हूँ। VA का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, VA का वैल्यू कोई फोर्स ही नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में, तो VA का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, और B एंड में तो आपका 0 है ही, तो इस प्रकार से इसका SFD कैसे बन जाएगा, SFD कैसे बन गया, A और B, ठीक है ना, A पॉइंट में भी शियर फोर्स 0, B पॉइंट में भी शियर फोर्स 0, कहीं पर भी इंटरमीडिएट पॉइंट में निकाल के देख लो वहां पर भी 0, ठीक है। मान लेते हैं बीच पॉइंट C, सी पॉइंट मान लेते हैं जिसका डिस्टेंस L/2 मान लेते हैं, तो L/2 डिस्टेंस में मतलब बीचों बीच में भी निकाल के देखेंगे कोई फोर्स है ही नहीं लेफ्ट तरफ में, ठीक है ना, एक्चुअली में फोर्स है, VA है, लेकिन VA का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा कोई फोर्स है ही नहीं, तो यहाँ पर भी 0, मतलब सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, क्या चीज, SFD, ये SFD हो गया खत्म। अब BMD की बात करते हैं, जब मैं BMD बनाना चाहूंगा तो सबसे पहले तो एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, लाइन खींचने के बाद ए और बी नाम दे दिया, ए में मूवमेंट निकालना है मेरे को, ठीक है ना, बी में तो 0 होगा मेरे को पहले से पता है, ए में मेरे को मूवमेंट निकाल के देखना है, ए में जब मैं मूवमेंट निकालूंगा, अच्छा बी में क्यों 0 होगा पता है ना, फ्री एंड में 0 होता है, 10 बार बता चुका हूँ, जब मैं निकालूंगा मूवमेंट अबाउट क्या निकालने वाला हूँ, ए निकालने वाला हूँ, ठीक है, मूवमेंट अबाउट ए निकालने वाला हूँ, तो मैं सेक्शन कट करूंगा ए में और राइट तरफ को देखूंगा, राइट तरफ में मेरे को फोर्स तो नहीं दिख रहा है लेकिन मोमेंट दिख रहा है, मोमेंट कितने का दिख रहा है आपका, ये आपका मैग्नीट्यूड को एम मान लो ना, मैग्नीट्यूड एम, तो एम इंटू टोटल डिस्टेंस एम एल हो जाएगा, ठीक है ना, एम इंटू टोटल डिस्टेंस एम एल हो जाएगा, ये एक मोमेंट आ जाएगा आपका, ठीक है ना, पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट की जगह में बीचों बीच में सेंटर में एम इंटू एल आ गया, ठीक है, ये क्लॉकवाइज में है, तो क्लॉकवाइज में होने पे हम लोग क्या लेते थे, राइट साइड क्लॉकवाइज मतलब माइनस, ठीक है, तो माइनस एम एल क्या आ गया, माइनस एम एल क्या आ गया आपका, ए पॉइंट पे मूवमेंट आ गया, मतलब एम एल में क्या जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, एम एल में नीचे जाऊंगा, उसके बाद मेरे को पता है कि बी पॉइंट पे 0 है, ठीक है ना, बी पॉइंट पे 0 है और ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, जो एस एफ डी बना है वो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ठीक है, और बी एम डी जो बनेगा उस केस में कैसा बनेगा भाई, जब यहाँ पर 0 है यहाँ पर आपका एम एल है, तो मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को इन दोनों को एक दूसरे से मिलाना पड़ेगा, मतलब इंक्लाइंड बनेगा आपका, ठीक है, इंक्लाइंड बनेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि SFD आपका कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सेप्शनल केस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका एम एल है, कहाँ पर, ए पॉइंट में, और बी पॉइंट में 0 है, तो अपने पास कोई चारा ही नहीं बचता, उसको अपने को इंक्लाइंड एक दूसरे से मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बीच पॉइंट में हम लोग निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना, सी पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, सी पॉइंट मान लेते हैं, और सी पॉइंट में भी हम लोग मूवमेंट निकाल के देख लेते हैं, एम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, लेफ्ट लूँ कि राइट लूँ, राइट लूँ, ठीक है, नहीं चलो लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट से ही हम लोग बनाते हैं तो लेफ्ट ही लेते हैं, तो लेफ्ट में अपने पास फोर्स क्या है, फोर्स तो वी ए है, वी ए की वैल्यू 0 है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, मूवमेंट क्या है, मूवमेंट जो है आपका एम है, ठीक है ना, जो कि L/2 डिस्टेंस में लेंगे तो ML/2 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका लेफ्ट साइड में है और क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो प्लस में होगा, लेकिन एक मोमेंट ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक मोमेंट ऑलरेडी लगा हुआ है ना भाई, कितने का, एम एल का, एम ए का वैल्यू कितना है, एम ए का वैल्यू भाई एम एल है ना,
यहाँ पर ML का एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट लगा है, तो माइनस ML करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ML बाई टू। तो माइनस ML बाई टू सी पॉइंट पे लगा हुआ है, मतलब जस्ट हाफ लेंथ हो जाएगा, ये जितना भी ML है ये हो जाएगा आपका ML बाई टू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अपने को इंक्लाइन ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे आगे। कौन सा क्वेश्चन किया जाए, एक मिनट रुकना ना। चलो अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आ गया तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमको पोर्टल फ्रेम दिया हुआ है, कुछ फ्रेम ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और इस फ्रेम में मैं लगा लेता हूँ, मान लो दोनों तरफ हिंज सपोर्ट लगा लेता हूँ, दोनों तरफ हिंज सपोर्ट लगा देता हूँ, और यहाँ पर आपका मोमेंट, सॉरी फोर्स दिया हुआ है कि आपका फोर्स है, तीनों इसके जो बे हैं या फिर क्या बोलना चाहिए, जो लेग हैं, कॉलम में भी आपका पी है और बीम में भी आपका क्या है, पी है बीचों बीच में, ठीक है, सेंटर में आपका एल बाई टू डिस्टेंस में है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस मतलब एल है, टोटल डिस्टेंस आपका एल है, सभी एकदम मतलब सिमेट्रिकल है, टोटल डिस्टेंस एल है, आपका एल बाई टू डिस्टेंस में क्या लगा हुआ है, एल बाई टू डिस्टेंस में क्या लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, सभी में वही है। तो अब मेरे को बताना है कि इसका एस एफ डी बी एम डी कैसे बनेगा। इसका एस एफ डी बी एम डी बनाने के लिए अगर कंफ्यूजन होता है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह बना लेंगे, एक बीम की तरह बना लेंगे, और उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि ये आपका इधर क्या लगा हुआ है, हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, इधर हम लोग क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे, इधर कुछ नहीं करो, इधर भी हम लोग क्या कर देंगे, पी लगा देंगे, और इधर एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ने के बजाय हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हर एक जो उसका लेग है उसको हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं ए नाम दे दूं, बी नाम दे दूं, सी नाम दे दूं, डी नाम दे दूं, तो इसको ए और बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ठीक है, दूसरा सिंपली सपोर्टेड बीम क्या हो जाएगा आपका, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा सिंपली सपोर्टेड बीम क्या हो जाएगा आपका, तीसरा सिंपली सपोर्टेड बीम भी यही सेम हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम लोग एस एफ डी बी एम डी कैसे निकालते थे, तो इसका एस एफ डी जो हो जाएगा आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, कैसे निकालते थे वो आपको पता है, वी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर वी ए का वैल्यू आपका पी बाई टू, इधर भी आपका वी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी बाई टू, सब में वही होगा। तो हम लोग पी बाई टू ऊपर गए, ए पॉइंट में मैं क्या गया, पी बाई टू ऊपर गया, उसके बाद कुछ नहीं लोड था तो स्ट्रेट गया, और उसके बाद मेरे को पी नीचे जाना है, मतलब पी बाई टू इधर, पी बाई टू इधर, और उसके बाद पी बाई टू आखिरी में ऊपर जाऊंगा। तो सभी में वैसी डायग्राम बन जाएगा, एस एफ डी सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब बी एम डी की बात होगी तो बी एम डी हम लोग कैसे बनाते थे, ए और बी पॉइंट में आपका जीरो होगा और उसके बाद हम लोग इसको बीच से उठा देंगे, यहीं पर आपका मैक्सिमम होगा, जो बीच वाला पॉइंट है वहां शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, तीनों का बी एम डी बन गया, ठीक है। जब बी एम डी भी बन गया हमारा, एस एफ डी भी बन गया, तो अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रेम में अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जब मैं शियर फोर्स निकालने जाऊंगा तो इधर से ऊपर गया, इधर गया नीचे, और इधर गया ऐसा, ठीक है, इधर भी यही सेम चीज अप्लाई करेंगे, इधर भी यही सेम चीज अप्लाई करूंगा, इधर मैं क्या जाऊंगा, बी पॉइंट में ऊपर जाऊंगा, इधर बीचों बीच में आपका नीचे, और इधर आपका, इधर भी वैसे ही करूंगा, ये सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट में मैं ऊपर गया, इधर नीचे, और ऐसा मिला दिया, तो ये आपका एस एफ डी बन गया, ठीक है ना, दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको तोड़ देना है, ठीक, और उसके बाद बना देना है, तो ऐसा आपका कुछ एस एफ डी बन गया। जब मैं बी एम डी बनाना चाहूंगा तो कैसा बनेगा, बी एम डी आपका, ये आपका फ्रेम होगा, एक मिनट, हाँ हो जा रहा है वो दिक्कत है भाई, कुछ भी हो जा रहा है अपने से चलो ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ये हो गया आपका, ये अपने पास क्या है, बीम है ए बी सी डी, ठीक है, इसके बाद अपने को बीएमडी निकालना है, तो कैसा निकलेगा, कैसा निकलेगा, ट्रेंगल बनाते जाओ, और क्या,
इधर भी ट्रेंगल, इधर भी ट्रेंगल, और ये वाले एंड में भी ट्रेंगल, खत्म। ये इसका भी MD हो गया, एकदम आसान था। चलो ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी हेडिंग डाल लेना, स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी ऑफ देखो, अपने को पहचानना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो सबसे पहला कंडीशन होगा स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का कंडीशन पढ़ रहे हैं। अगर स्टेबल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल ही होगा। ठीक है, जैसे कि अपने पास ये बीम है, इस बीम में हम लोग दो रोलर सपोर्ट लगा दिए हैं, एक रिएक्शन ये हो गया, दो रिएक्शन ये हो गया। ठीक है, मतलब एक रिएक्शन इसके कारण आएगा, एक रिएक्शन इसके कारण आएगा, टोटल रिएक्शन हो गया कितना, टोटल रिएक्शन कितना हो गया, दो। तो हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल तभी होगा, स्टेबल तभी होगा हमारा स्ट्रक्चर जब मिनिमम मिनिमम कितने होंगे, तीन रिएक्शन होंगे, मिनिमम तीन रिएक्शन जब होंगे तभी हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है, रिएक्शन या फिर सपोर्ट रिएक्शन लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, जब हमारे पास मिनिमम तीन सपोर्ट रिएक्शन होंगे तभी हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। हमारे जो गिवन एग्जांपल है यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें सिर्फ दो रिएक्शन है तो ये अनस्टेबल है। ठीक है ना, अनस्टेबल है। तो अब मैं क्या कर दूंगा कि पहला रूल तो समझ गया कि अपने को कम से कम तीन रिएक्शन चाहिए। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। चलो ठीक है, मैं पहले वाले रूल को फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं तीन रोलर सपोर्ट लगा देता हूँ, तो क्या ये स्टेबल है? अब तो यहाँ पर तीन रिएक्शन है, एक इसके कारण एक इसके कारण, तो तीन रिएक्शन हो गए, टोटल रिएक्शन थ्री है। तो पहला वाला जो कंडीशन है क्या वो पूरा पूरा सही है? नहीं है, वो बोल रहा है कि तीन रिएक्शन होना चाहिए, सही बोल रहा है, लेकिन तीन रिएक्शन भाई ये वाले एग्जाम्पल में तो है, क्या ये स्टेबल है? नहीं है, ये चक्का ही तो है, व्हील है। अब इसको मैं इधर से कोई एक्सटर्नल फोर्स पी लगा दूंगा तो वो ढूल जाएगा, आ रहा है ना समझ में, लुढ़क जाएगा राइट की तरफ, लेफ्ट में फोर्स लगाऊंगा तो लेफ्ट की तरफ ये वो हो जाएगा, लुढ़क जाएगा। ठीक है, ढूल जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है ना, एकदम कॉमन सेंस लगा के देखो। तो अब दूसरे वाले रूल में पहले वाले रूल को करेक्ट किया गया कि कम से कम तीन रिएक्शन तो होने चाहिए, लेकिन इन तीन रिएक्शन में से एक रिएक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया, ये एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ हिंज लगा दिया, एक तरफ रोलर लगा दिया, तो इस रोलर के कारण जो रिएक्शन आएगा वर्टिकल आएगा, सिर्फ एक रिएक्शन आता है, लेकिन इस हिंज के कारण एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा। मतलब ये जो एच ए आ रहा है, मतलब ए पॉइंट में जो एच ए आ रहा है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है ना, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बता चुका हूँ किसको बोलते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है कि नहीं, तो इसलिए एक रिएक्शन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होने से अब ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, यानी कि धुलेगा नहीं, इधर से आप फोर्स लगाओ, ठीक है पी, या फिर लेफ्ट से लगाओ, तो ये आपका क्या कर रहा है, रोक के रखा, यहाँ फिक्स्ड है ना, आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है हिंज सपोर्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर तीसरा रूल आता है, ठीक है ये सब भी ठीक है, लेकिन जो सपोर्ट रिएक्शन होना चाहिए वो कनकरेंट नहीं होना चाहिए, रिएक्शन जो है हमारे पास, रिएक्शन शुड नॉट बी कनकरेंट। कनकरेंट का मतलब क्या होता है, कनकरेंट का मतलब ये होता है कि एक ही पॉइंट में जितने भी रिएक्शन वो आके नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ऐसा बीम हो गया है, ठीक है यहाँ पर एक सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ एक सपोर्ट लगा देता हूँ, यहाँ एक सपोर्ट लगा देता हूँ, अब तो है इसमें रिएक्शन ज्यादा ही है, ठीक है ना, इसका दो रिएक्शन, इसका दो रिएक्शन, इसका एक रिएक्शन है, मतलब टोटल तो पांच रिएक्शन हो गया, मिनिमम तीन होने चाहिए, और उसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी दो दो रिएक्शन मिल गए, मतलब ये स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये जो सभी रिएक्शन है किसी एक पॉइंट में जाके मिल रहे हैं। ठीक है ना, मतलब हमारे स्ट्रक्चर कैसा है, कनकरेंट कंडीशन को शो कर रहा है, तो इसमें एंगुलर अनस्टेबिलिटी आ जाती है, एंगुलर अनस्टेबिलिटी आ जाती है, याद रखना। तो एंगुलर अनस्टेबिलिटी होगा, ये स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल नहीं होगा। तो ऐसा पूछ सकता है, एंगुलर अनस्टेबिलिटी कब आती है, जब हमारे पास रिएक्शन जो होंगे कनकरेंट होंगे, कनकरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट में जाके मिलना।
अच्छा एक चीज और याद रखना, जो इससे पहला वाला कंडीशन देखे हैं इसमें तीन रिएक्शन होता था लेकिन फिर भी अनस्टेबल होता था, तो ऐसे अनस्टेबिलिटी को लीनियर अनस्टेबिलिटी बोलते हैं। ऐसे अनस्टेबिलिटी को लीनियर अनस्टेबिलिटी या फिर लीनियर अनस्टेबल स्ट्रक्चर बोलते हैं। लीनियर डायरेक्शन में आपका क्या है, वो रिजिड नहीं है ना, इसलिए लीनियर अनस्टेबिलिटी। ये एंगुलर हो गया। इसके बाद एक और कंडीशन आता है स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को पहचानने के लिए, ठीक है ना, फोर्थ नंबर का कंडीशन, कि हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नॉन ट्राइवल कंडीशन का होना चाहिए, नॉन ट्राइवल, ठीक है ना। ट्राइवल की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, TR, यही होना चाहिए जहां तक, तो नॉन ट्राइवल कंडीशन का होना चाहिए। नॉन ट्राइवल कंडीशन हमारा स्ट्रक्चर है तब हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल है। लेकिन अगर ट्राइवल कंडीशन आ गया आपके पास, ट्राइवल कंडीशन अगर आपके पास स्ट्रक्चर में आ गया तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब ये ट्राइवल कंडीशन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक बीम बना लेता हूँ, ठीक है ना, एक बीम है। इस बीम में मान लेते हैं बीच में यहाँ पर किसी डिस्टेंस में स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग लगा हुआ है या फिर कोई भी इलास्टिक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है ना, इलास्टिक अरेंजमेंट लगा हुआ है ऐसा करके। तो अब ये भले तीन रिएक्शन है, भले कनकरेंट नहीं है, समझ में आ रहा है, मतलब टोटल तीन रिएक्शन है, दो इसका एक इसका, रिएक्शन तीन है सेटिस्फाइड कर रहा है, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, दूसरा रूल भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तीसरा रूल क्या था, कनकरेंट नहीं होना चाहिए, तीसरा रूल भी सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पर देख रहे हैं हमको ट्राइवल कंडीशन आ गया है। तो ट्राइवल कंडीशन मतलब जब हम लोग लोड वगैरह लगाएंगे तो पूरा ये डिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा इस ट्राइवल कंडीशन के कारण, तो अनस्टेबल हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। तो नॉन ट्राइवल कंडीशन के कारण भी अनस्टेबल हमारा स्ट्रक्चर होता है, इस चीज को याद रखना है। इसके बाद हम लोग ये स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी खत्म हो गया ना, चार ही कंडीशन है, चार कंडीशन से आपको पहचान के देखना है कि आपका स्ट्रक्चर स्टेबल है कि अनस्टेबल है। इसके बाद एक कंसेप्ट यूज होता है सेगिंग एंड हॉगिंग, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है ना, सेगिंग एंड हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं होता। सेगिंग मतलब होता है पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट और हॉगिंग मतलब होता है निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। देखो सेगिंग में स्माइल टाइप का एस से स्माइल याद रखना, ठीक है, तो यहाँ पर से जैसे कि एक मैं ऐसा बना लूँ, तो ये हमारा जो हो गया स्माइल वाला शेप हो गया, तो सेगिंग जो होता है हमेशा ऐसे होगा, ये जो इस स्ट्रक्चर को याद रखना, ठीक है ना, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा, सेगिंग में ऐसा शेप बनता है, मतलब कॉनकेविटी अपवर्ड और कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड होता है। कॉन्वेक्सिटी कैसा शेप बन रहा है हमारे स्ट्रक्चर का, कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है, या फिर हम लोग इसी को क्या बोल देते हैं, कॉनकेविटी। अब ये कॉनकेव कॉन्वेक्स तो पता ही होगा ना, तो कॉनकेविटी, कॉनकेविटी क्या है हमारे स्ट्रक्चर में, अपवर्ड है। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हॉगिंग, हॉगिंग मतलब याद रखना उदास, ठीक है ना, तो ये आप कैसे बना दोगे, ऐसा कुछ बना दोगे, तो इसमें जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा ऐसा कुछ निकल के आएगा, आपका स्ट्रक्चर में जो मूवमेंट हो रहा है ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कॉन्वेक्सिटी क्या हो जाएगा आपका, डाउनवर्ड, सॉरी कॉन्वेक्सिटी नहीं बोलना चाहिए, कॉनकेविटी बोलना चाहिए। कॉनकेविटी क्या हो जाएगा आपका, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, कॉनकेविटी डाउन वर्ड हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड, लिख लेना कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड हो गया बस। तो इसमें क्या होता है, जब आपका सेगिंग होता है तो उसमें पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ऑकर होता है, और हॉगिंग केस में निगेटिव साइन लेते हैं या फिर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट ऑकर होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब आगे हम लोग देखेंगे, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं आज, ठीक है, और आज थोड़ा लाइट पढ़ रहे हैं अगर देख रहे होगे तो, क्योंकि पिछला दो क्लास बहुत ज्यादा हेवी था, तो आज अपने को सिर्फ एक टॉपिक और पढ़ना है, कंटिन्यूअस बीम, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस तो कल पढ़ेंगे, ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग हैंगिंग है ना, बीम के लिए मेरे को SFD BMD निकाल के बताना है या फिर सीखना है, SFD BMD निकालना सीखना है। सबसे पहली बात, ये भी एक प्रकार का डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, अभी तक हम लोग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो, चाहे वो कैंटिलीवर बीम हो, और अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, ओवरहैंगिंग बीम। तो ये भी आपका एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ओवरहैंगिंग बीम बनता कैसे है, तो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम ही होता है, लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या हो जाता है आपका, या तो दोनों तरफ या फिर एक तरफ क्या हो जाता है, ओवरहैंग हो जाता है,
इसमें हम लोग लिमिटेड चीज पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं ओवरहैंग जो हो रहा है दोनों तरफ ए डिस्टेंस पे हो रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं दोनों तरफ ए डिस्टेंस पे हो रहा है, 20 का लेंथ एल है, इधर भी आपका ए डिस्टेंस पे हो रहा है, ठीक। अब इस ओवरहैंग के तीन कंडीशन हो सकते हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो तीन केसेस हो सकते हैं, बोल सकता हूँ मैं तीन केसेस। पहला केस क्या हो सकता है कि एल की वैल्यू इक्वल टू 2a है, आगे समझ में। इक्वल टू 2a का कहने का मतलब दोनों तरफ ओवरहैंग समान है, और मतलब दोनों तरफ जो ओवरहैंग है वो 25-25% है, इसका मतलब यही हुआ ना, ठीक है ना, इसका मतलब यही हुआ। और दूसरा केस क्या हो सकता है, एल की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2a है, कहने का मतलब जो बीच का जो लेंथ है वो ज्यादा है लेकिन ओवरहैंग कम है, ठीक है ना। ये जो ए है, जो ए में ओवरहैंग हुआ है वो ओवरहैंग का लेंथ कम है या फिर 25% से कम है। थर्ड केस हमारे पास हो सकता है, थर्ड केस हमारे पास हो सकता है एल की वैल्यू लेस देन 2a है, मतलब हमारा स्ट्रक्चर 50% से भी ज्यादा क्या हो रहा है, ओवरहैंग हो रहा है, ठीक है ना, 50% से भी ज्यादा ओवरहैंग हो रहा है। एक बार और रिविजन कर देता हूँ, पहला वाला केस एल इक्वल टू 2a था, इसका मतलब 25% इधर ओवरहैंग हो रहा है, 25% इधर ओवरहैंग हो रहा है, ठीक है, बीच का बच गया आपका 50%। सेकेंड वाला केस था एल की वैल्यू ग्रेटर देन 2a है, मतलब ये जो ओवरहैंग हो रहा है वो लेस देन क्या है, 25% है, ठीक है, ओवरहैंग लेस देन 25% है। और तीसरा वाला केस क्या है, लेंथ की वैल्यू छोटी है, मतलब लेंथ की वैल्यू 50% से कम है लेकिन ओवरहैंग जो हो रहा है 25% से ज्यादा हो रहा है, दोनों तरफ ओवरहैंग 25% से ज्यादा हो रहा है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और समझने की कोशिश करो। अब हम लोग कुल मिला के SFD BMD सीखेंगे, ठीक है। ये केसेस तो आपका बाद में आएगा, ठीक है ना, केसेस बाद में आएगा, सबसे पहले हम लोग इस केसेस को एक तरफ एक साइड रख लिख के रख लेना, बाकी अभी मिटाल रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी कोई काम का नहीं है। वैसे क्वेश्चन जो थ्योरी आता है वो केसेस के ऊपर ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केस से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, SFD निकालना सीख रहे हैं। SFD निकालना सीखेंगे तो VA + VB इक्वल टू, देखो फोर्स यहाँ पर नहीं लगाया हूँ, फोर्स को UDL कर देते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द लेंथ क्या है आपके पास, UDL है जो कि आपका W का है, ठीक है। तो W इंटू क्या हो जाएगा, 2A + L हो जाएगा कि नहीं, W इंटू 2A + L, ये आपका VA + VB इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वेशन वन नाम दे दो। और हम लोग जानते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल होने से VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, W इंटू 2A + L डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। VA इक्वल टू VB, जितना भी टोटल फोर्स आ रहा है उसको आधा आधा बांट दो ना दोनों किस में, सपोर्ट्स में, तो वही आपका क्या हो जाएगा, ए और बी में रिएक्शन आ गया। अब जब इतना आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम निकाल के देखेंगे। ये आपके पास मान लो हो गया, इसको हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं, चलो इसको ए नाम दे देता हूँ, फ्री एंड को इसको बी, बीच वाले को सी और डी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं आपका ए पॉइंट हो गया, और बीच में आपका यहाँ कहीं पर और यहाँ कहीं पर, और ये आखिरी वाला क्या हो गया आपके पास, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट इधर, डी पॉइंट इधर हो गया, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, SFD निकालना है। SFD जब हम लोग निकालेंगे तो ए पॉइंट आपका फ्री एंड है, तो फ्री एंड में आपका शियर फोर्स जीरो होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों जीरो होता है फ्री एंड में, फ्री एंड ही तो है, ए और बी फ्री एंड है। अब मेरे को सी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना है, सी पॉइंट में जब मैं शियर फोर्स निकालूंगा तो मेरे को सिर्फ एक फोर्स दिख रहा है, सी पॉइंट में सेक्शन कट करेंगे, ठीक है ना, सी पॉइंट में शियर फोर्स निकालना है तो सी पॉइंट में सेक्शन कट कर लिए, ठीक है, SF @C पॉइंट निकालना है, सी पॉइंट में सेक्शन कट कर लिए, और लेफ्ट तरफ देखूंगा तो लेफ्ट तरफ में मेरे को एक ही फोर्स मिलेगा, और जो कि माइनस में मिलेगा क्योंकि ऊपर में लगेगा आपका, इस यूडीएल के बदले में इतने लेंथ में कितना फोर्स लगेगा आपका, डब्ल्यू इंटू ए, डब्ल्यू आपका पर मीटर में लगा हुआ है ना, तो डब्ल्यू इंटू ए, तो -WA मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है ना, शियर फोर्स एट सी आ गया समझ में। चलो तो अब मैं यहां पर जाऊंगा नीचे, कितना नीचे जाऊंगा, कितना नीचे जाऊंगा, WA नीचे जाना है मेरे को, ये WA है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि आपका A से C के बीच में UDL लगा हुआ है, तो मेरे को कैसे जाना है, इंक्लाइंड जाना है ना, इंक्लाइंड जाना है, इंक्लाइंड आ गया मैं, और उसके बाद फिर जब मैं सी पॉइंट में जाऊंगा तो सी पॉइंट में आपका शियर फोर्स कितना है, इसको ए और बी की जगह में सी और डी कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, ये जो रिएक्शन निकल के आया है
सी और डी के लिए आया ना निकल के, तो इसको सी कर लेते हैं, इसको डी कर लेते हैं, ये आपका सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो सी पॉइंट में शियर फोर्स कितना निकल गया है, डब्ल्यू ए डब्ल्यू इंटू टू ए प्लस एल डिवाइडेड बाई टू, मतलब इतना आप मेरे को ऊपर जाना है, प्लस में है तो इतना टोटल ऊपर जाना है ना, टोटल ऊपर जाना है, इतना टोटल ऊपर जाना है। तो जो इतना ओनली पॉजिटिव में ऊपर गए वो कितना ऊपर गए होंगे सोच के बताओ, मतलब इस पॉइंट से नीचे वाला जो लोएस्ट पॉइंट था जो डब्ल्यू ए वाला था, वहां से हम लोग डब्ल्यू इंटू टू ए प्लस एल ऊपर गए, ठीक है। सिर्फ जो पॉजिटिव वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये टोटल जब कितना है डब्ल्यू इंटू टू ए प्लस एल बाई टू है, तो उसमें मैं माइनस इतना डिस्टेंस को नहीं कर दूंगा, इतने डिस्टेंस को इस पूरे डिस्टेंस में माइनस कर दूंगा, तो आपका ये वाला डिस्टेंस नहीं आ जाएगा ऊपर, पॉजिटिव वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब करो, तो वो कितना आएगा वो डिस्टेंस, उसको हम लोग जब मैं माइनस करूंगा तो टू ए बाई टू प्लस एल बाई टू माइनस डब्ल्यू ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको मैं तोड़ दिया, ये जो चीज था इसको मैं तोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया डब्ल्यू को अंदर में और टू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब देखा जाए तो टू टू कट गया, तो डब्ल्यू ए कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ डब्ल्यू एल बाई टू बचेगा ना, ये डब्ल्यू मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर डब्ल्यू एल बाई टू बस बचेगा, तो ये ऊपर हम लोग डब्ल्यू एल बाई टू लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद डी पॉइंट में अब मेरे को आना है, डी पॉइंट में अब मेरे को आना है, इसको थोड़ा ये दिख रहा है ना आपको, इसको चलो छोड़ देते हैं, रेड कलर में लिख देते हैं इसको, ये आपका एक शियर फोर्स गया, ये, और उसके बाद हम लोग ये ऊपर जा रहे हैं, है ना। और उसके बाद डी पॉइंट पे शियर फोर्स क्या होगा, देखो अब कॉमन सेंस अगर हम लोग निकालेंगे लगाएंगे तो ये आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सी पॉइंट पे जो शियर फोर्स होगा वही डी पॉइंट में होगा, बस उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा, कहने का मतलब देखो। ये आपका ऐसा कुछ शियर फोर्स हो जाएगा, समझ में आया। तो यहां पर का जो मैग्नीट्यूड है, यहां पर डब्ल्यू ए आ रहा था, डब्ल्यू ए अब ऊपर चल देगा, और ये ऊपर वाले पॉइंट में कितना आ रहा था, डब्ल्यू एल बाई टू आ रहा था, डब्ल्यू एल बाई टू, तो डब्ल्यू एल बाई टू अब नीचे वाले में आ जाएगा, बस यही होगा। और यकीन नहीं होता तो निकाल के देख लो, ठीक है ना। अगर मैं इस पॉइंट में डी पॉइंट में निकालूंगा शियर फोर्स, डी पॉइंट ये वाला डी पॉइंट में शियर फोर्स निकालूंगा, तो आप लेफ्ट से क्यों निकालोगे, राइट से निकालो, राइट से आसान पड़ेगा। तो राइट में आपका सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, कौन सा फोर्स दिख रहा है, डब्ल्यू इंटू ए दिख रहा है, और कोई सा है ही नहीं। और ये राइट साइड में है, राइट साइड से जब शियर फोर्स निकालेंगे तो ऊपर में लगने के कारण अब इसको क्या लेंगे, माइनस नहीं लेंगे प्लस लेंगे, क्योंकि इधर हम लोग जो आपका नीचे आता था उसको माइनस लेते थे और जो ऊपर रहता था उसको प्लस लेते थे, इधर अपोजिट लेंगे ना, ठीक है, इधर प्लस लेंगे, तो डब्ल्यू ए ऊपर चला गया और इधर हम लोग का जो भी शियर फोर्स है उतना मेरे को नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, एकदम समान है यार, ठीक। तो यहाँ पर से एस एफ डी निकालने हमको आ गया है, नहीं समझ में आया ना ये, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको क्या चीज याद रखना है आखिरी में वो मैं बताऊंगा और बस उसी से काम चल जाएगा। एस एफ डी अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ठीक। बी एम डी देखते हैं, बी एम डी हम लोग जब बनाएंगे, बी एम डी बनाने के लिए तीन कंडीशन होंगे, अब वही तीन कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं, एल की वैल्यू जब ग्रेटर देन टू ए है तो आपका शियर फोर्स कैसे निकल के आता है, एल की वैल्यू जब टू ए है तब आपका शियर फोर्स कैसे निकल के आता है। इसको हम लोग ए नाम दिए थे, बी नाम दिए थे, बीच में कहीं पर आपका सी है और इधर कहीं पर आपका डी है, ठीक है। तो अब इसका शियर फोर्स कैसे निकल के आता है देखना, ठीक है, इसको मैं डिटेल में नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने से चाहो तो निकाल के देख सकते हो, ए और बी पॉइंट में क्या होगा, ए और बी पॉइंट में शियर फोर्स जीरो आएगा, इतना तो पता है अपने को, फ्री एंड में शियर फोर्स जीरो होता है, ठीक है। अब मैं सी पॉइंट में शियर फोर्स निकालूंगा, सी पॉइंट में जब शियर फोर्स निकालूंगा तो सी पॉइंट में सेक्शन कट कर दूंगा और लेफ्ट साइड से मूवमेंट लूंगा, ठीक है, लेफ्ट साइड से मूवमेंट लूंगा, तो लेफ्ट में मेरे को सिर्फ एक फोर्स दिख रहा है डब्ल्यू इंटू ए, डब्ल्यू ए इंटू डिस्टेंस कर दूंगा तो ये डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, आ रहा है समझ में,
डब्ल्यू इंटू ए फोर्स हो गया और डिस्टेंस ए बाई टू हो जाएगा, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड तो माइनस होगा। तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस में नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। और कौन सा शेप बनेगा आपका, कौन सा शेप बनेगा, 2 डिग्री कर्व बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्लाइन था, ए से सी के बीच में एस एफ डी इंक्लाइन बन रहा है, तो ये 2 डिग्री कर्व बनेगा, ठीक है। और कर्व बनाते समय आपको वही चीज याद रखना है कि कहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर जो होगा थीटा की वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो ए पॉइंट में शेयर फोर जीरो है इसलिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम डायरेक्ट मैं बना के बता देता हूँ यार, कोई मतलब नहीं लग रहा है मेरे को, आप लोगों को अपने से बन भी जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट मूवमेंट निकाल के देख लेना, कौन से पॉइंट में, बीचों बीच में, पूरा इस सपोर्ट का जो बीचों बीच है सेक्शन में आप मूवमेंट निकाल के देखना, तो मूवमेंट आपका आता है डब्ल्यू बाई एट इंटू एल स्क्वायर माइनस फोर ए, ठीक है ना, ये आपका मूवमेंट आ जाएगा, ये मैक्सिमम मूवमेंट होगा, याद रखना यही आपका मैक्सिमम मूवमेंट होगा, ये डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू मिनिमम मतलब निगेटिव में मूवमेंट है, जो कि ये मैक्सिमम नहीं है ना, याद रखना। यहाँ पर इस डायग्राम में ऐसा दिख रहा है कि मूवमेंट जो है सी और डी पॉइंट पे मैक्सिमम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली में जो डायग्राम आपका बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, उसको सुधार लेना अपने से, ठीक है। ऐसा जो मैं बनाया वो गलत है, बीच में आपका मूवमेंट मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अब जब इतना समझ में आ गया है हमको, अपने से करके देखना, ये होमवर्क है, ये मूवमेंट बीचों बीच में निकाल के देखना कितना आता है, ठीक है, इतना ही आता है कि नहीं बताना मेरे को, गलत होगा तो बताना। इसके बाद हम लोग सेकंड केस के लिए बना के देखते हैं। अच्छा यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया हूँ क्या मैं, डब्ल्यू बाई एट एल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर कर लेना इसको ना, फोर ए स्क्वायर, ठीक है। एल आपका टोटल लेंथ है और ए तो आपको पता है, एल को कैपिटल एल कर लेना क्योंकि हम लोग कैपिटल एल ही माने हुए हैं ना, ठीक। तो कैपिटल एल का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, फोर ए का स्क्वायर हो जाएगा डब्ल्यू बाई एट। ये हो गया आपका किस केस में, जब एल क्या होगा, ग्रेटर देन टू ए होगा। लेकिन सेकेंड केस जब हम लोग देखेंगे, सेकेंड केस हम लोग के सामने कौन सा आ जाएगा, एल की वैल्यू जब इक्वल टू टू ए देखेंगे, तो इस केस में आपका जो बी एम डी बनेगा, बी एम डी इस केस में आपका बी एम डी कैसा बनेगा, इसको देखना ध्यान से। यहाँ पर हम लोग सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट मान लेते हैं, और इसको बी पॉइंट माने हैं, इसको ए पॉइंट माने हैं, ठीक है। इसका बी एम डी जो निकल के आएगा आपका यहाँ पर से ऐसा हो जाएगा, और सेंटर में आके आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेंटर में जीरो है, याद रखना, बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगा किस केस में, एल इक्वल टू टू ए के केस में। और ये आपका सेम रहेगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू इधर, डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू इधर, ठीक है ना। ऊपर में भी आप यहाँ पर डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू कर लेना, ठीक है, सेम है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो सेम पॉइंट में सेम ही तो होगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस में आते हैं, जो कि आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड केस, एल की वैल्यू जब क्या होगी, लेस देन टू ए होगी। तो इस केस में हमको निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या है, ये ए है आपका, ये बी है, बीच में हमारा क्या था, बीच में यहाँ कहीं पर और यहाँ कहीं पर सी और डी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपका जो बी एम डी निकल के आएगा, तो ये मान लेते हैं आपका ऐसा करके कुछ आ रहा है, ये सब तो सेम ही रहेगा। और उसके बाद जो निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है, ऐसा कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा, और फिर इसको आप इधर मिला दो, ठीक है, ये ऐसा कुछ बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा ना, डब्ल्यू बाई एट और एल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या था आपका, डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू टू रहेगा, इधर भी आपका डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई क्या रहेगा, टू रहेगा, आ समझ में। बीच में आप लोग निकाल के देखना हर केस में, ठीक है। इसमें बस ये चेंज हो जाएगा ना, एल की वैल्यू क्या है, लेस देन टू है, एल की वैल्यू इक्वल टू टू है, ठीक। तो अब कुल मिला के जो मैं आखिरी पॉइंट बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे समझ में आया होगा, ठीक है, समझने वाला चीज ही क्या था इसमें, समझे। ये है हम लोग कि जब एल इक्वल टू ग्रेटर देन टू ए का केस होगा, तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है, जब एल की वैल्यू इक्वल टू टू होगा, तो जीरो बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है, सेंटर पॉइंट की बात हो रही है, और जब एल की वैल्यू लेस देन टू ए होगा, तो निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है।
या फिर हम लोग एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूँ, जब एल इक्वल टू ग्रेटर देन 2a था तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देखने को मिला, लेकिन एक चीज अगर नोटिस किए होगे कि जो बेंडिंग मोमेंट साइन भी चेंज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आपका पॉजिटिव, इधर आपका निगेटिव, मतलब पहले निगेटिव था, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चला गया, ऊपर चला गया, बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं। कई बार पूछा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। ऐसा घुमा के उल्टा भी पूछ सकता है कि बेंडिंग मोमेंट जहां पर साइन चेंज करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ऐसा बोलेगा कि आपका ओवरहैंगिंग बीम है जो कि थ्रू आउट इट्स लेंथ क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, डब्ल्यू का पर मीटर के हिसाब से लगा हुआ है, ऐसा करके डायग्राम आपको दे देगा और आपको पूछेगा कि इस डायग्राम में कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिलेंगे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितने मिले, एक और दो, दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर हमको मिलते हैं। किस कंडीशन में, जब एल इज ग्रेटर देन 2a होगा, ठीक है, एल इज ग्रेटर देन 2a होगा, और अदरवाइज अपने को क्या मिलता है, यहाँ पर जीरो मिलता था और इधर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर नहीं मिलता था। ठीक है, तो अब नोट करके जो मैं लिखा रहा हूँ उसको चुपचाप लिख लेना, पहला नोट लिखना वेन, जो मैं अभी तक बोला हूँ उसी को लिखना है, एल इज इक्वल टू, जब 2a होगा लिखना ना, वेन एल इज इक्वल टू 2a देन डैट मीन्स, या फिर डैट इज करके लिख लो, डैट इज ईच साइड इज ओवरहैंग बाई 25%, ठीक है, ईच साइड इज ओवरहैंग बाई 25%, या फिर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ए का वैल्यू यहाँ पर 25% है, ठीक है। इन दैट केस, इन दैट केस बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर विल बी जीरो, जीरो होता है इस केस में आपका बेंडिंग मोमेंट सेंटर में। सेकंड केस लेना, लिखना इफ परसेंटेज ओवर हैंग, इफ परसेंटेज ओवर हैंग इज लेस देन 25%, मतलब ये ब्रैकेट पे लिख लेना, कौन सा केस है, जब आपका परसेंटेज ओवर हैंग लेस देन 25% है, एल इज ग्रेटर देन 2a का केस है ना, इफ परसेंटेज ओवर हैंग इज लेस देन 25% देन देन देयर विल बी टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिलता था इस केस में, टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है। थर्ड केस लिखना, इफ ओवरहैंग ग्रेटर देन, ओवरहैंग इज ग्रेटर देन 25%, ब्रैकेट में लिख लेना कौन सा केस हो जाएगा, ये एल इज लेस देन 2a का केस है, ठीक है ना, परसेंटेज ओवरहैंग आपका 25% से ज्यादा है, ठीक है, देन देन निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट विल बी एग्जिस्ट, ठीक है, तो इस केस में अपने को निगेटिव बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलता था, ठीक, ये तीन केस को याद रखना, इन्हीं को पूछता है आपको थ्योरेटिकली, ठीक है। ओवरहैंग बीम में आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया, ठीक है, ओवरहैंग को आप खत्म करते हैं और जो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं, इकोनॉमिकल बीम क्या होता है, इकोनॉमिकल बीम, ओवरहैंग से रिलेटेड ही चीज है, इकोनॉमिकल बीम किसको बोलते हैं, इकोनॉमिकल बीम ऐसा बीम जिसमें पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू निगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिले, जैसे कि हम लोग देखे थे कौन सा केस, एल इज इक्वल ग्रेटर देन 2a का केस, तो इसमें अपने को निगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी मिल रहा है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी मिल रहा है, जब आपका निगेटिव बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा तब आपका बीम इकोनॉमिकल कहलाएगा, ठीक है, ये पहला कंडीशन है इकोनॉमिकल बीम का। दूसरा कंडीशन ये होता है, जब आपका ओवरहैंग
जब आपका ओवरहैंग कितना परसेंट हो, ओवरहैंग जो 20.7% हो। हमारा बीम ओवरहैंग हो रहा है, इधर ए में ओवरहैंग हो रहा है, इधर भी आपका ए ओवरहैंग हो रहा है, ठीक है। तो ओवरहैंग का जो परसेंटेज होगा 20.7% होगा, तब आपका बीम क्या होगा, इकोनॉमिकल बीम होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, दोनों कंडीशन को लिख लेंगे। पहला कंडीशन, अ बीम विल बी इकोनॉमिकल वेन, अ बीम विल बी इकोनॉमिकल वेन मैक्सिमम, मैक्सिमम या फिर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ऐसा लिखना, व्हेन मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू द मिनिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट ऐसा लिख लो, मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तब और दूसरा कंडीशन लिखना, इफ परसेंटेज ओवरहैंग इज 20.7% देन बीम विल बी इकोनॉमिकल। इफ परसेंटेज ओवरहैंग इज 20.7% देन बीम विल बी इकोनॉमिकल। अब इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी ओवरहैंग को ही देखेंगे ना, ओवरहैंग को ही देखेंगे। हम लोग पहला कंडीशन बोल रहे हैं कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निगेटिव के इक्वल होना चाहिए। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा था हमारे स्ट्रक्चर में, डब्ल्यू बाई एट एट स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर आ रहा था, यही आ रहा था। इसको हम लोग निगेटिव के इक्वल करेंगे, मतलब डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू के इक्वेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एल की वैल्यू निकाल के देखते हैं। यहाँ पर एल की वैल्यू निकालो तो सबसे पहले तो 2 चौक 8 हो जाएगा, इधर आपका डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, तो उसके बाद 4a² + 4a² इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एल स्क्वायर आ गया। एल की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो रूट ओवर में क्या हो जाएगा, 8a² आ जाएगा, मतलब 2√2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टी निकल के आया कि लेंथ आपका कितना होना चाहिए, 2√2a के बराबर होना चाहिए। मतलब बीम कब इकोनॉमिकल होता है, जब आपका परसेंटेज ओवर है 20.7% होता है। इसका मतलब ये है कि देखना इधर ध्यान से, ये आपका ए था, ये सी, और इसको डी लिए थे और इसको बी लिए थे। ये जो बीच का लेंथ है, जब आपका ओवरहैंग ए है, दोनों तरफ अगर ओवरहैंग ए है, तो बीच का जो लेंथ एल माने हैं वो एल को किसके बराबर होना चाहिए, 2√2 ए के बराबर होना चाहिए। तभी के कंडीशन में आपका परसेंटेज ओवरहैंग कितना आएगा, 20.7% आएगा। अब इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। देखो तो ए डिवाइडेड बाई मैं क्या कर देता हूँ, टोटल लेंथ कर देता हूँ। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2a + 2√2a कर देता हूँ, ठीक है। ये कितना आना चाहिए आपका, और मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ, ये आपका कितना आना चाहिए, 20.7% आना चाहिए। तब हम लोग सही किए हैं, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो ए ए आपका कॉमन निकल के कट जाएगा, तो 2 + 2√2 बचेगा, ठीक है, 2 + 2√2 बचेगा, और मल्टीप्लाई में 100, मतलब ये हो गया आपका। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। पहले तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, और सरल करने के लिए तो 50/√2 आ जाएगा। 50/√2 मतलब, सॉरी, 50/1+√2 आएगा ना, 50/1+√2 आएगा। अब ये अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 50 बाई, ये √2 की वैल्यू 1.414 होता है ना, तो इसको हम लोग 2.414 लिख सकते हैं। मतलब अप्रोक्स अगर करें तो 2.5 अगर मैं लिख के भी सॉल्व करूं, आंसर थोड़ा अलग आएगा, लेकिन अप्रोक्स तो आ जाएगा, है ना। तो ये 500/25 लिख सकता हूँ क्या इसको, ठीक है ना, 500/25 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में तो 25 दूनी 50, 20% आ रहे हैं अप्रोक्स, आ गया 20%। अगर ये 20.414 होता तो 20% से थोड़ा ज्यादा ही वैल्यू आता, ठीक है, आ गया, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। तो यहाँ वर्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या था, इस चीज को याद रखना है कि वो लेंथ कितना होगा, 2√2a होगा, 2√2a लेंथ होगा, अगर ओवरहैंग a है तो उस हिसाब से बदल जाएगा। अगर ओवरहैंग को आप लोग कुछ भी लेंथ माने हो, जैसे c माने हो, तो आपका लेंथ की वैल्यू कितना होना चाहिए, 2√2c होना चाहिए। एकदम सिंपल सा चीज है, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझना पड़ेगा कि ओवरहैंग को वो क्या माना है। ओवरहैंग को हम लोग a माने हैं, तो जो लेंथ है मेन लेंथ, ठीक है, जिसमें ओवरहैंग हमारा स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, जहां पर सपोर्ट है, सपोर्ट के बीच का लेंथ कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए। आगे आपको समझ में, इकोनॉमिकल बीम क्या होता है,
इकोनॉमिकल के बीम के केस में हैंग कितना होना चाहिए, 20.7%, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बीच का लेंथ कितना होना चाहिए सपोर्ट के बीच का, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग खत्म करते हैं आज की क्लास। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी आगे का पढ़ाई करेंगे कल, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल हम लोग डिटरमिनेट पढ़ लिए हैं, तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में SFD BMD देखेंगे और क्लास खत्म करेंगे, मतलब SFD BMD खत्म हो जाएगा कल, ठीक। थैंक यू।